तृणमूल कांग्रेस का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और अभी चर्चा हो रही थी देश को जोड़ने की बात, और यदि देखा जाए, यदि हिंदुस्तान का सर कोई भी परिचय है तो हिंदुस्तान के तीन परिचय, एक तो माँ गंगा जिसकी बात हम सब हमेशा करते हैं, जो सब जगह है, और दूसरा है हिमालय। क्या आप हिंदुस्तान की कल्पना कर सकते हैं हिमालय के बगैर? क्या आप हिंदुस्तान की कल्पना कर सकते हैं गंगा के बगैर? इसी प्रकार क्या आप हिंदुस्तान की कल्पना कर सकते हैं रेल के बगैर? हिंदुस्तान का आज हिमालय भी रो रहा है, गंगा भी रो रही है और रेल भी रो रही है। और इस रेल के आंसू पोंछने के लिए हम सब का प्रयास है। और शुरुआत में तो मैं सदानंद गौड़ा जी का बहुत ही अभिनंदन करूंगा और पिछले इतिहास में थोड़ा सा जाऊंगा, क्योंकि मेरा और सदानंद गौड़ा जी का परिचय काफी पुराना है, उनकी मुस्कान बता रही है। तो चूंकि अंग्रेजी में अनुवाद उनको शायद करना पड़े तो मैं अंग्रेजी में उसका विशेषण करूंगा, दैट माय रिलेशनशिप विद द ऑनरेबल मिनिस्टर सदानंद जी गोज वेरी बैक। वी वर लाइक पैरेलल टू रेलवे लाइंस, आवर नसीब, आवर फेट वर लाइक द टू पैरेलल लाइंस, वी वर गोइंग टुगेदर बट नेवर मेट। वी वर नेबर्स इन साउथ एवेन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, आई बिकेम द रेलवे मिनिस्टर। लुक एट द फेट ऑफ बोथ ऑफ अस। एज लक वुड हैव इट एंड फॉर गुड रीजंस, ही वॉज रिमूव फ्रॉम मिनिस्टर कर्नाटका बिकॉज ऑफ, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दोज बैकग्राउंड, अदरवाइज देयर इज गोइंग टू बी शाउटिंग हियर। एंड आई ऑल्सो हैड टू रिजाइन फॉर सम गुड रीजंस, फॉर पार्टी डिसिप्लिन। ही बिकेम बिकॉज यू सी वी ऑल आर विथ अवर पार्टी एंड द पार्टी डिसिप्लिन becomes much more than individual. He has faced that and he won the elections in the Lok Sabha. I also won. He has taken he has been an exceptionally hard working and a very performing railway minister. It's unfortunate that he was sacked within 24 hours when he presented the budget. That was very unfortunate, but we appreciate his good job done there. But it's not unfair to bring it here. You see, Rudy ji, I appreciate your love and affection, and I know how close you are also to our leader, Madam Mamata Banerjee. But at the end of the day, let's understand one thing very clearly. Whether it is Sadanand ji, whether it is you, or whether it is me, we have all come because of the party sangathan. It is because of the party discipline. So on those things, we have to abide by the diktat and the discipline of the party. And I since you have brought this subject, Mamata ji has been absolutely pro-poor. And I don't want to get derailed, so let me come back to rail. I hope once and for all that debate would be over. So as I was talking about Sadanand ji, that we have gone parallel and I'm so very happy. Mujhe badi khushi ho rahi hai ki there could not have been a better person, a very transparent person and very sincere person to become the Minister of Railways. So my compliments to him, and I do hope that he would live up to the aspiration of the people. So before I aapke upar hum hamari jo टिप्पणी कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एक सोच है। उन्होंने अपने शुरुआत में ये बताया और आगे वाले भी उन दिनों में उनको पता चलेगा कि भी क्या है, उनकी स्पीच में भी उन्होंने बताया कि जब हम रेल मंत्री नहीं थे तब हमारे भी बहुत डिमांड्स थी,
जब हम भी सोचते थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मगर जब हम रेल मंत्री बने तब हमें पता चला कि ये कितना कितना डिफिकल्ट, कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। सो सर, सर्टनली इनके पीछे सब पढ़ेंगे सांसद, हमें पता है कैसा होता था, उन्हें एक महीने में अनुभव हो गया होगा। सच मानिए तो ये सांसद सब आते, और यहां तक कि हम जब गुसलखाने में जाते हैं ना, उनको भी ये अनुभव होगा, वहां भी आते हैं। क्यों आते हैं ये सांसद, क्यों आते हैं? कि हम वहां जाते हैं तो भी इंतजार होता है, एक चिट्ठी, एक ओवर ब्रिज, एक नई रेल लाइन, एक कन्वर्जन ऑफ गेज, एक हमारी कोई किसी की बहुत असुविधा है उसकी ट्रांसफर, ये सब सांसद क्यों आते हैं? अपने लिए आते हैं क्या? दे डोंट कम फॉर देयर ओन पर्सनल वर्क, दे एंड मेनली द मेंबर्स ऑफ लोकसभा जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उन्हें ये पता है कि पब्लिक की डिमांड क्या होती है। और सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहां सिर्फ चार डिमांड होती है, और यदि कोई असहमत हो तो हमें बताइए। आप कोई भी क्षेत्र में चले जाइए, पहली डिमांड होगी कि हमें पानी, पीने का पानी, जीने का साधन। दूसरी होगी हमें सड़क चाहिए, सड़क। तीसरी होगी बिजली की, और उसके बाद होगी रेल की पटरी की। यदि मैं गलत हूं तो आप बताइए, आपको भी यही डिमांड आपके क्षेत्र से मिलेगी कि भैया यहां हमें गेट चाहिए, हमारी गायें चरने जाती है, रेल की पटरी से हम जा नहीं सकते हैं, हमें यहां एक लेवल क्रॉसिंग चाहिए, ओवर ब्रिज चाहिए, अंडर ब्रिज चाहिए। अच्छा, ये बताइए, क्या वो भी शख्स जो मांग रहा है अपने लिए मांग रहा है? एमपी अपने लिए कभी नहीं मांगता है। हम जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि के होने के कारण ये जो प्रेशर आ रहा है लोगों का, ये हमारे भाई बहन, ये कोई बाहर से नहीं आए, ये हमारे लोग हैं, और उनकी मांग व्यापक मांग है, और देयर डिमांड्स आर एब्सोल्युटली जेन्युइन। अब आप ही बताइए कि बस्तर के लोग, मेरे पास सर बस्तर के लोग आए थे उस इलाके के लिए, और बहुत ही गुस्से में थे। करीब 500 लोग आए थे कि आप क्या समझते हैं, हमारा हिस्सा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? और कुछ महिलाएं वहां रो रही थी कि हमने पहली बार जब दिल्ली में आपके पास आए तब रेल का डिब्बा देखा, हमने रेल का डिब्बा देखा नहीं था। तो ये बताइए कि हमारे बस्तर के इलाके या पिछड़े इलाके, उनको अपनी आकांक्षा नहीं होगी? हमारे जंगल महल की बात कर लीजिए। जंगल महल एक ऐसा इलाका था, हमारे दोस्त सलीम भाई यहां बैठे हैं, कि वहां बिल्कुल लोग त्राहिमान हो गए थे। आज ये कहने पर मुझे बहुत खुशी हो गई कि हमारी डॉक्टर सोरेन, उमा सोरेन, उस इलाके से आती है, बुलेट के द्वारा नहीं, बैलेट के द्वारा, शांतिपूर्ण, विथ लव एंड अफेक्शन, विथ डेवलपमेंट वर्क। ममता जी हैज वन देयर हार्ट, एंड टुडे जंगल महल इज स्माइलिंग, जंगल महल इज पीसफुल। इसकी वजह क्या है सर? ये सब बात मैं क्यों कहना चाहता हूं? मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि आप यदि कहें कि भाई रेल कमर्शियली वायबल नहीं है, भैया आपका डिफेंस का कौन सा प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल है मैं पूछना चाहूंगा, आपका पानी का कौन सा प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल है? और ये आप बताइए कि आप जब कॉलेज या स्कूल खोलते हैं तो कमर्शियली वायबल होता है? आप ये भी बताइए कि आप जब रास्ता बनाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये कमर्शियली वायबल है कि नहीं? तो ये जो मापदंड है ना कि ये कमर्शियली वायबल नहीं है, हमारे समय में क्या होता था, और ये प्लानिंग कमीशन का देखिए कि कभी नई लाइन आती थी, और सांसद, हमारे सब सांसद की पीड़ा एक ही है,
कि यदि वहां के लोग कहेंगे कि हमें ये लाइन की आवश्यकता है, हम जा ही नहीं सकते हैं, कि गरीब आदमी, अब उसको आप बताइए भैया ये कमर्शियली वायबल नहीं है, तो बोलेगा ठीक है जो कराएगा उसको हम चुन के आएंगे। तो ये कमर्शियली वायबल का जो लाइन की शुरुआत होती है ना सर, उसको प्लानिंग कमीशन में दिया जाता है और प्लानिंग कमीशन पता नहीं अपना क्या प्लानिंग करता है और कहता है ये कमर्शियली वायबल नहीं और ये नहीं हो सकता, और रेल मंत्री को जवाब देना पड़ता था उस एमपी को कि भैया ये कमर्शियली वायबल नहीं है। तो मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे समय में हमने ये प्रथा बंद कर दी थी, हमने प्लानिंग कमीशन को कहा था आप ही निपटिए एमपी से, आप ही उनको चिट्ठी लिखिए जो लिखनी है, मगर मेरे यहां ममता जी ने हमें सिखाया है कि हिंदुस्तान एक सोशल स्टेट है, यहां आज भी चर्चा होती है कि 30 रुपए में एक गरीब जी सकता है या 32 रुपए में जी सकता है, आज दो वक्त की रोटी वो नहीं खा सकता। आप उसको यदि कमर्शियल वायबिलिटी का सवाल सिखाते हैं तो मैं समझता हूं बहुत ही उनके ऊपर नाइंसाफी होगी, देश के ऊपर नाइंसाफी होगी। तो ये पहले तो हम इसका मापदंड बिल्कुल हटा दे, और क्या होता है आज हमारी छवि क्या है और वास्तविक रूप से क्या है यह भी हम बताना चाहते हैं कि रेलवे में सब्सिडी की जो बात करते हैं ना सर, तो रेलवे एक विभाग है जहां गरीब अमीर को सब्सिडाइज करता है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका जो भी फेयर आता है, आपका जो भी भाड़ा आता है, वो जनरल डब्बे से आता है, 93% आपका आमदनी होता है गरीब से, और उस गरीब को कहोगे कमर्शियली वायबल नहीं है, और ये पैसा सर कहां जाता है? ये पैसा सदानंद जी आप जानेंगे आने वाले दिनों में, ये जाता है राजधानी, मुझे कोई उससे परेशानी नहीं, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, वो जाता है राजधानी में, शताब्दी में, और हमने भी सोचा था कि हम वाईफाई लगाएंगे, हाईफाई लगाएंगे, ये कोई गलत बात नहीं है, मगर आपकी प्राथमिकता क्या है? क्या है प्राथमिकता? आप यदि प्राथमिकता नहीं देखेंगे कि वो गरीब, उसको क्यों, हम लोग तो सफर करते हैं, कभी हमको कश्मीर जाना होता है, कभी हमको छुट्टियों में गोवा जाना होता है, मगर वो गरीब लाचारी में सफर करता है, उसका सफर लाचारी में है, क्या आप उसको बोलोगे नहीं आप सफर नहीं करोगे? ये कमर्शियली वायबल नहीं है। देश को आपको बचाना है तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब जोड़ने की बात आती है, हमने एक कविता हमारे बजट के भाषण में कही थी, मैं दोहराना चाहता हूं, और वो ये है कि देश की रग रग में दौड़ती है रेल, देश की रग रग में दौड़ती है रेल, देश के हर अंग को जोड़ती है रेल, धर्म जाति पाति नहीं जानती है रेल, छोटे बड़े सभी को अपना मानती है रेल। ये है अपनी रेल की ताकत, और ये आज रेल की ताकत सर किसने दी है? हम जब मंत्री होते हैं तब हम समझते हैं कि ताकत हमने दी है, मगर ये ताकत उस गरीब गैंगमैन ने दी है। हमारे रेल के जितने भी कर्मचारी हैं, आज रेल का इतना बड़ा परिवार है सर, आज ये रेल संगठन चल रहा है, उनकी इतनी लाचारी है, और यदि आप सर आंकड़े देखें ना, तो ज्यादा से ज्यादा मौत, ज्यादा से ज्यादा तो नहीं कहूंगा मगर काफी मौत रेल कर्मचारियों की होती है, वो अपनी जान पे खेल देता है मगर रेल को बचाता है। तो आज जितनी भी उपलब्धि हुई है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, अब तक की कामयाबियों से तुम्हारे नाम करता हूं, अब तक जितनी कामयाबी हुई वो तुम्हारे नाम करता हूं, हर एक की लगन को मैं झुक के सलाम करता हूं। ये है हमारे रेल के कर्मचारी, और ये रेल के कर्मचारी इतने होनहार हैं कि हम हमेशा बात करते हैं कि चाइना की रेलवे ऐसी है, चाइना की वैसी है, और आपको पता है कितना पैसा चाइना रेल देती है?
सरकार देती है सर, हम यदि 10 या 12 बिलियन यूएस डॉलर देते हैं, 10 या 12 आउटले, चाइनीज का आउटले है 116 बिलियन यूएस डॉलर, और ये यदि हम कंपेयर करते हैं तो हमारी छवि क्या है। हम एक बहुत आपको दिलचस्प घटना बताना चाहेंगे, और वो घटना ये है कि जेम्स बॉन्ड की पिक्चर की एक शूटिंग हो रही, और शूटिंग के दौरान हमें कांटेक्ट किया गया और डैनियल ग्रेग, तो उनकी ऑफिस से फोन आया कि भाई हम हिंदुस्तान के रेलवे में शूटिंग करना चाहते हैं। वो पिक्चर रिलीज भी हुई, उसका नाम था स्काईफॉल। तो हमने तीन शर्तें रखी। तीन शर्तें क्या थी? एक शर्त ये थी कि भैया रेलगाड़ी के डब्बे पर मुसाफिर सवार होते हैं वो नहीं दिखाएंगे आप, सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और तीसरी हमारी शर्त ये थी कि जेम्स बॉन्ड, आप, वो थोड़ा मजाक में था मगर उसने वो भी मान लिया कि जेम्स बॉन्ड इंडियन रेलवे के लिए एम्बेसडर हो जाएंगे, दुनिया में ये कहेंगे दैट इंडियन रेलवे इज स्ट्रॉन्गर देन जेम्स बॉन्ड। तो ये सब शर्तें उन्होंने मान ली मगर एक शर्त नहीं मानी, और वो क्या शर्त थी कि भाई आप ऊपर डिब्बे में जो मुसाफिर सवार करते हैं कि भाई हिंदुस्तान में हम इसीलिए तो आए हैं, दैट देयर विल बी अ सीन वेयर जेम्स बॉन्ड इज गोइंग टू फाइट ऑन द रूफ ऑफ द रेलवे एंड अदरवाइज वाई वुड वी कम टू इंडिया। आई सेड दैट आई विल नेवर परमिट, आई विल नेवर शो इन इंडिया इन टू अ पुअर लाइट, बट इट इज अ फैक्ट। हम फिर हमें याद आया कि एक दिलचस्प था छैया छैया गाना, वो भी रेल के रूफ में हुआ। तो हमारी ये परिचय है क्या कि हम लोग रूफ में सवारी करते हैं? तो कहीं ना कहीं हमारी छवि ये जो है वो हकीकत है, और कौन सवार करता है? वो फिर गरीब को जाना है अपनी मंजिल तक, वो बेचारा नौकरी करता है कहीं ना कहीं, उसको अपना पेट पालन करना पड़ेगा। तो ये छवि एक तरफ से हम कहते हैं, और उसमें कोई, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, हम अभी कुछ पढ़ेंगे उससे आपको पता चलेगा कि हमें बुलेट ट्रेन चाहिए। हर मंत्री ये कहता है बुलेट ट्रेन चाहिए, बुलेट ट्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप 100 स्टोरीज की इमारत यदि बनाना चाहते हैं तो उसके पहले उसकी नींव, उसका फाउंडेशन जरा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। सर मैं, समय मेरा ज्यादा नहीं रहा है क्योंकि हमारी पार्टी से और एक हमारे सांसद बोलेंगे, हम बस 5 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। सर ऐसा जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं वो भी वही सब आ रहा है ना, वही आगे बढ़ा रहे। ये दो चीज हम बताएंगे। आपने बजट का हमारा जिक्र किया, आपने हमारा बजट का जिक्र किया सर। रूडी साहब, रूडी राव, आई एम नॉट इल्डी। आई थिंक वी आर ऑन ए वेरी सीरियस टॉक, सो आई थिंक वॉट एवर लाइट पार्ट ऑफ इट इज ओवर। वी हैव यू नो, वेन यू टॉक अबाउट माय बजट, लेट मी कम टू द फैक्ट्स। आई एम गोइंग टू रीड, if you allow me, I'm going to read. Not necessary. I'm going to read something, sir, if you allow me. It says, it is an anti-people budget without taking effective step to ensuring poor people. This announcement has been made for an expensive journey. ये किसका बयान है सर? ये है बीजेपी का बयान। ये बयान है हमारे दोस्त मुख्तार अब्बास का। और ये बयान कब आया था? ये बयान अब आई एम नॉट इल्डिंग। ये बयान तब आया था जब रेल के भाड़े 2 पैसे हमने बढ़ाए थे, 16% नहीं बढ़ाए थे, 2 पैसे बढ़ाए थे। उसको भी ममता जी ने नहीं माना था।
उनको उसको भी ममता जी ने नहीं माना था सर, ये मैं नहीं मानूंगा। आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम जस्ट नॉट यील्डिंग। और मैं दूसरी बात बता रहा हूं सर, और एक बयान बता रहा हूं, एक बयान और बता रहा हूं, कृपा करके सुन लीजिए, कृपा करके सुन लीजिए। और मैं संजीदगी के साथ ये बयान बता रहा हूं कि आपने जो रेल का किराया बजट के पहले बढ़ाया है वो बहुत ही गलत किया। एंड डिमिनिशिंग द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, आप मेहरबानी करके सुनिए, आप ये गलत बात, आप सुनिए रूडी साहब, आप सुनिए, आप मेहरबानी करके रूडी साहब, शायद रूडी साहब आप शायद भूल गए हैं कि आप अब सत्ता पक्ष में है, आप ऑपोजिशन की बात छोड़ दीजिए, आप सत्ता पक्ष में है। तो एक सो अब दूसरी बात कहूंगा, और दूसरा एक बयान आया था, दूसरा बयान किया आया था कि आपने जो ये भाड़ा बनाया है वो एंटी पुअर है, और आपने जो भाड़ा बनाया है पार्लियामेंट के पहले, यू हैव डिमिनिशिंग द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, और तुरंत ये भाड़ा को वापस लीजिए। ये किसका बयान था? जो हमारे भी दोस्त है, ये बयान था माननीय उस समय मुख्यमंत्री गुजरात और अब के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। मतलब ये दोहरा ना, अब क्या होता है कि हम जब इस तरफ होते हैं तो हमारी दिशा एक होती है, हमारा ध्यान एक होता है और हमारा लगाव कहीं और होता है। हम जब उस तरफ चले जाते हैं तो मतलब हमारा पूरा पूरा शरीर बदल जाता है, सोच बदल जाती है, नजर बदल जाती है, नजरिया बदल जाता है, दिशा बदल जाती है, सब बदल जाता है। मैं समझता हूं ये ऐसा क्यों होता है। आज तक की जो बातें वहां से हो रही है, आप यहां बैठकर उसका विरोध करते थे और शायद हम भी करते हैं। उसी लिए हम कहना चाहेंगे रूडी साहब कि यदि रेल को बचाना है तो एक ही उपाय है सर, सुर मिले तुम्हारा और हमारा तो सुर बने हम सबका, नहीं तो ये सब बेसुरा होगा। सुर मिले यदि तुम्हारा और हमारा, आपका और हमारा सुर मिल जाए तो रेल बहुत सुरीली हो जाए। तो रेल को यदि सुरीली बनानी है तो आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको नहीं हम सुर मिला रहे हैं, नो कमेंट्स स्पीच, आपको कहीं और नहीं जाना है। प्लीज त्रिवेदी ट्राई टू कंक्लूड, प्लीज ट्राई, आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको कहीं और नहीं जाना है। हम एक पंक्ति पढ़ ले सर, अब एक पंक्ति हम पढ़ देते हैं, और वो पंक्ति है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। वो दूसरी एक पंक्ति हम पढ़े, शायद वो आपको अच्छी लगे, और वो है ये, आप जरा सुनिएगा ध्यान से, आप ही के लिए है ये। और वो कहते हैं 6 कॉरिडोर्स हैव ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड फॉर टेक्निकल स्टडीज ऑन सेटिंग अप हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। दीज आर दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर, पुणे मुंबई अहमदाबाद, हैदराबाद द्वारका चेन्नई, हावड़ा हल्दिया, चेन्नई बेंगलोर, दिल्ली आगरा लखनऊ वाराणसी। ये क्या पढ़ रहे हैं पता है? आपका बजट नहीं पढ़ रहे, ये ममता बनर्जी का विजन 2020 डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं। और ये कहना चाहेंगे कि हमने हर दिशा में हर प्रांत में हर जगह हमने देखा है, और ऐसा कोई प्रांत नहीं बचा था, ऐसी कोई कोने में हिंदुस्तान के कोने में कुछ नहीं बचा था जहां हम लोग ने मींस इस पार्लियामेंट, ममता बनर्जी हो चाहे मुकुल रॉय हो चाहे हम हो, हमने सबने ये देखा था कि रेल हिंदुस्तान आगे किस प्रकार बढ़े। तो यही यही विजन है। एक तो ये है,
ममता बनर्जी का जो विजन 2020 है सर, उस विजन 2020 में क्या कहा कि वी वांट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ यदि नहीं होगा सर, तो हिंदुस्तान में बहुत ही मुश्किल आएगी। उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में कहा था कि रेलवे एज ए कैटलिस्ट ऑफ क्रिएशन लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। पहले होता था ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट लेस ग्रोथ, मतलब उसमें ग्रोथ होता था एम्प्लॉयमेंट नहीं होता था, मगर जो बात हो रही है वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ, वही दिशा दी थी ये विजन 2020 डॉक्यूमेंट। मैं वो आज की बात नहीं कर रहा, जब मैं रेल मंत्री था तभी कहा था कि ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं सर, आज यदि आपको रेलवे को बचाना है सर, तो उसके तीन ही तरीके हैं। और वो तरीके क्या है सर? वो तरीके यही है कि कहां से आता है पैसा, कहां से आता है पैसा सर? तीन जगह से आता होगा, या तो आपका बजटरी सपोर्ट सरकार देगी, आपका इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन होगा, आपका जो उधार लें आप, एक तो होते हैं नेशनल प्रोजेक्ट, वहां से आएगा। कुल सब मिलाकर पैसा आपको, यदि आप ये समझते हैं कि रेल अपने आप में सक्षम होगी, अपने आप में पूरा अपना जो भी उसका रिसोर्स जनरेशन है, रेल अपने आप में रिसोर्स जनरेट करेगी, तो ये कभी नहीं होगा। ओके, आपको ये भी हम बताएं कि चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, जहां जहां रेल की तरक्की हुई है सब जगह सरकार ने पैसा दिया है। बेसिक ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, जो हमने चाइना की बात की, सरकार देती है। जापान में 6 कंपनियां हैं, निजी कंपनियां, वो जो बुलेट ट्रेन जिसकी बात करते हैं वो चलाती है, मगर सिंकानसेन जो चलाती है वो कैसे चलाती है? उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसने दिया? पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने दिया। और मेहरबानी करके आप रेलवे को अलग से मत देखिए, जहां जहां प्रगति हुई है, आप कोई भी देश ले लीजिए, अभी चीन की बात हो रही है, जापान, यूरोप, अमेरिका, जहां जहां रेल की सुविधा आम जनता के लिए अच्छी है, वही एक सिविलाइज कंट्री कहलाई है। और सब जगह सर, हर जगह पर सरकार ने मदद दी है। आप इतनी बड़ी रेल को आप लावारिस छोड़ दो और कहो कि कमर्शियली इट इज नॉट वायबल, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज समय आया। मेरे साथ भी सरकार की लड़ाई हुई थी, उस समय वित्त मंत्री थे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह जी से मैंने झगड़ा किया। मैंने कहा सर आप पैसा नहीं दोगे। अंत में आपके लिए मैं ये भी कहना चाहता कि 12 5-year plan envisages $1 trillion. कितना? $1 trillion इन इंफ्रास्ट्रक्चर, और $1 trillion में 50% विल कम फ्रॉम गवर्नमेंट, 50% विल कम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। यदि हम उसका 50% 1 trillion का लेते हैं, तो उस समय होता था 50 lakh crore। अब उस 50 lakh crore में यदि रेलवे को 10%, मतलब 5 lakh crore यदि नहीं दे, तो फिर ये प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? और यदि 5 lakh crore 5 साल की बात करते हैं, तो 50,000 crore पर ईयर यू शुड गेट, बट व्हाट आर यू गेटिंग? व्हाट इज द रेलवे गेटिंग? द टाइम हैज कम सर, वेर वी हैव टू सी सर। आई जस्ट टेक 5 minutes बिफोर आई कंक्लूड, माई पार्टी हैज सम मोर टाइम सर, आई जस्ट टेक 5 minutes सर, द टाइम हैज कम, यू आर अ पार्टी, अदर मेंबर मे नॉट गेट सफिशिएंट टाइम, दैट इज ऑल। नो, आई जस्ट टेक 5 minutes एंड कंक्लूड सर, आई जस्ट टेक 5 minutes बिफोर आई कंक्लूड। No, right, cannot, I will just take 5 minutes. Sir, now the time has come. Please wind up. Whether we have to see railway as just a mode of poor man's transportation from point A to B, or do we see the railways as something which will add 2.5% to the GDP? And I tell you with all my authority under my command, whatever little knowledge I have learned from the railways, it is not very difficult to get the railways going
And unless and until the government of India comes forward and gives that kind of support, it will never ever be viable. It will never add to the economic growth of the country. So that is why let us all together put our heads. Sir, my party has time, please. My party has time. Then my other person, other member may not. My party has time. Sir, just let me conclude. That case you can continue. Let me conclude, sir. Sir, let me conclude. Uh-huh. And Mr. Rudy disturbed me for 10 minutes, so I need that time also. अभी मैंने ये भी कहा था सर, मैंने सर ये भी कहा था, मैंने सर ये भी कहा था कि आप जो पीपीपी की बात कर रहे हैं, कौन आपके साथ है? आप देश की एसेट को देश के साथ रखिए, और पीपीपी में यदि हम व्यापारी हैं तो हम वहीं जाएंगे जहां हमें पैसा मिले. व्हाट इज योर रेवेन्यू मॉडल? अब यदि आप बोलते हैं ओवरब्रिज और अंडरपास पीपीपी होगा, तो कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो ओवरब्रिज और अंडरपास बनाएगा अपने पूंजी से? कोई नहीं बनाएगा. वो लेगा तो बोलेगा ये लैंड पहले हमारे नाम करो, फिर हम अंडरब्रिज बनाते हैं. कौन सा ऐसा शख्स है सर जो आपके जो हाई स्पीड ट्रेन है उसमें अपना पैसा डालेगा? तो आज हाई स्पीड बन सकती. और आखिर में मैं ये भी कहूंगा कि आपने जो फ्रेट कॉरिडोर बनाया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसको तब्दीली होनी चाहिए. Why am I saying that? When you said that you are wanting the best freight halt railways, it can never happen unless and until you have more powerful engines. Today, what engines we have cannot even compare to any other country. They are at least 7 times more in terms of capacity. Every third wagon has an engine. Their trains are much longer, and that is why even to control inflation, sir, even to control inflation, you have to have a robust freight movement. Sir, you have to let me speak because my party has time. I will just conclude with this. That manzil abhi dur hai. Sir, manzil abhi dur hai. Aur rasta jatil hai. Manzil abhi dur hai. Aur rasta jatil hai. Kandha mila ke saath chale. तो कुछ नहीं मुश्किल है. साथ मिलकर जो हम पटरियां बिछाएंगे तो देखते ही देखते सब रास्ते खुल जाएंगे. आई थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू.